दोस्तों अब टाटा भी जो है मिड साइज सेगमेंट में उतर चुका है, यानी कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट, बट एक थोड़ा सा अलग तरीके से उतरा है, क्योंकि इन्होंने निकाली है एसयूवी कूपे, जो कि अभी तक कोई भी मैन्युफैक्चरर इस एसयूवी कूपे में नहीं उतरा था। तो इसलिए लोग आकर्षित तो होंगे टाटा की तरफ इस गाड़ी के लिए, टाटा कर्व की तरफ से। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि क्या टाटा कर्व जो है क्या ऑन ऑफर करती है, क्या इसका प्राइस पॉइंट है, और मतलब क्या इसके फीचर्स रहेंगे। तो ये जो है टाटा कर्व का एकम्प्लिश्ड वेरिएंट है, एकम्प्लिश्ड ए नहीं है। ए में फर्क क्या आता है, उसमें एडाज एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी सब चीजें जो है सेम रहेंगी। बाकी एक दो चीजें जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट से। फ्रंट में आपको जो है यहाँ पे DRL देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कनेक्टेड DRL है, बट ये जो है रात में ही जलेंगे जब आप हेडलाइट्स वगैरह ऑन करेंगे, बाकी दिन में जो है यही जलते रहेंगे। इंडिकेटर्स भी जो है इसी में इंटीग्रेटेड रहेंगे। नीचे आएंगे तो आपके पास हेडलैम्प्स नजर आएंगे, और जनरली हमने ये देखा है कि जब भी जो है गाड़ी में बंपर में हेडलैम्प्स दिए जाते हैं तो फॉग लैम्प्स जो है कट आउट कर दिए जाते हैं, बट यहाँ पे जो है फॉग लैम्प्स का पार्ट भी आपको मिलेगा, और ये जो है ऐसा कॉर्नरिंग लैम्प भी आपका फंक्शन करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो एयर वेंटिलेशन के लिए जगह दी गई है, यानी कि एयर डायनामिक्स के लिए, और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पे आपके पास टोइंग हुक है, और ये सारा का सारा पार्ट जो है ग्लॉसी ब्लैक प्लस जो है आपके पास सिल्वर ट्रीटमेंट में नजर आएगा। यहाँ पे कर्व लिखा गया है, वैसे जो है नंबर प्लेट आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो है फ्रंट पार्किंग कैमरा है, जो कि आपको 360 डिग्री कैमरा में मिलता है, टाटा का नया लोगो है। फ्रंट से जो है गाड़ी आपको निक्सॉन की तरह दिखेगी, वैसे डिसेंट है, कोई इशू नहीं होता। साइड में आऊंगा तो साइड में जो है आपको गाड़ी की असलियत पता लग जाएगी, क्योंकि ये जो है कर्व है, और थोड़ा सा कर्व पे लुक्स की वजह से आकर्षित जरूर होंगे। अलॉय व्हील्स जो है थोड़े बहुत टाटा हैरियर की तरह नजर आएंगे, और इसके अगर साइज की बात करें हम, साइज कहाँ गया, ये रहा 215/55 R18। इससे ऊपर वेरिएंट में शायद 19 इंचेस आता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। यहाँ पे जो है कर्व लिखा गया है, क्लैडिंग जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा है जनरली हम गाड़ी से देखें, क्योंकि ये जो है डोर के साथ ओपन हो जाती है, बाकी क्लैडिंग जो है नीचे बचती है। ये जो है बेस मतलब नॉर्मल ब्लैक में आएगी, और ये जो है पियानो ब्लैक में आपको नजर आएगी। डोर हैंडल्स की अच्छी बात यह है, क्योंकि जब हमने XUV 700 में फ्लैश डोर हैंडल्स देखे थे तो वहां दिक्कत क्या थी, जब भी हम ऐसे खोलते थे तो ये डोर हैंडल्स जो थे ये ऐसे ही बाहर रह जाते थे, बट इसमें जो है प्रॉपर अंदर चले जाते हैं, बजाय ये कि ये मोटराइज कभी नहीं है। ये देखो मोटर से बाहर नहीं आएंगे, आपको करना यहीं से पड़ेगा, बट ये जो है अंदर चले जाएंगे, क्योंकि इसमें शायद स्प्रिंग फंक्शन दिया गया है। आपको जो है यहाँ पे ORVM ब्लैक आउट नजर आएंगे, पियानो ब्लैक है। यहाँ पे आपके पास जो है इंडिकेटर है LED में, एक पार्किंग कैमरा जो है यहाँ पे है। यहाँ पे आपके पास जो है ब्लैक रूफ आएगी, और बी पिलर ब्लैक आउट है, सी पिलर आपके पास कुछ इस तरह की, कुछ मतलब सेडान सी वाइब आपको थोड़ी थोड़ी ये देगी, जिन्हें मतलब सेडान और SUV का मिक्सचर चाहिए होता था। यहाँ पे जो है आपके पास फ्यूल कैप है, फ्यूल कैप का डिजाइन भी थोड़ा सा वैसा है, यहाँ से खोल के देखते हैं, नहीं अंदर से ही ओपन होगी, और पीछे से अभी थोड़ा सा जगह का इशू है, बट पीछे से आपको मैं कुछ इस तरीके से ही दिखा पाऊंगा। पूरी ये जो है जलती रहती है, एक बार लाइट ऑफ में देखते हैं किस तरीके से काम करती है। तो कुछ ऐसी रहेगी लाइट ऑफ में भी, अभी जो है लाइट ऑफ है, हाँ अभी जो है लाइट ऑफ है, मैंने आपको आगे से दिखा दिया, तो भी ये जल रही है, बट एक बार हम इसका जब रोड पे चलाएंगे तब इसके बारे में मैं एक्चुअल बता पाऊंगा। यहाँ पे एक कैमरा है, कर्व लिखा गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो दो ही है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, और ये शायद जो है रिवर्स लैंप आपको नजर आएगा, इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। एक बार जला के ही दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से जो है नजर आएगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक स्वाइप उसमें रन करता है। और यहाँ पे जो है नंबर प्लेट है, और यहाँ पे जो है सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको नजर आएगी। साइड में जो है सेम एक्चुअल चीज है, कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, यहाँ पे जो है आपको रिक्वेस्ट सेंसर नजर आएगा, उस साइड नहीं है पैसेंजर साइड, और यहाँ पे आपको जो है की होल नजर आएगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, अब हम करते हैं स्टार्ट ड्राइवर साइड से, बट उससे पहले आपको जो है
की दिखा देता हूँ, क्योंकि बाहर जो है ले जा नहीं सकता था, वरना गाड़ी खामखा जो है वो पीपी पीपी जो इनका साउंड सिस्टम है वो शोर मचाने लग जाती है, और मैं अभी शोरूम में, इस वजह से मैं चाहता नहीं। तो कुछ इस तरीके की की है, पहली बार टाटा ने की चेंज की है और काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही है इनकी की। और हाँ, इसमें एक फीचर और मिसिंग है, टॉप अगर लोगे तो उसमें आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट नजर आएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट ऑफकोर्स आपको नजर नहीं आएगा, यहाँ से आप जो है अनलॉक कर सकते हो, यहाँ लॉक बटन है, यहाँ पे आप रात में अगर आपको एक्सेस चाहिए लाइट्स का तो आप यहीं से देख सकते हैं, और यहाँ पे आपका अनलॉक है। पीछे जो है यहाँ पे टाटा का लोगो है, काफी सुंदर की बनाई गई है, बजाय अभी इस पे टेप लगी गई है, इस पे जो है मैं पूरा दिखा नहीं सकता। यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पे जो है ड्राइवर साइड पे आपको प्रॉपर विंडोज नजर आएंगी, जैसा कि आपने नेक्सॉन में देखा था। कंप्लीटली पार्ट शेयरिंग जो है बहुत ज्यादा हुई है, हर चीज आपको जो है नेक्सॉन, सफारी और हैरियर में ये नजर आती है। इवन टाटा पंच में भी अब ये कर दिया गया, एल्ट्रॉस में अभी ये नहीं किया है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्राइवर विंडो जो है वो ऑटो अप डाउन देखने को मिलेगी, बाकी जो है नॉर्मल विंडोज है। यहाँ पे जो है विंडो लॉक दिया गया है, यहाँ पे जो है ये क्रोम में दिया गया है, यहाँ पे लॉक है, ये सारा का सारा जो है हार्ड प्लास्टिक है। इवन ये भी यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं दिया गया। यहाँ पे जो है पियानो ब्लैक आपको नजर आएगा, नीचे देखेंगे तो JBL की बैजिंग नजर आती है, यहाँ पे स्पीकर्स हैं, और यहाँ पे जो है आपको मैगजीन होल्डर नजर आता है, यहाँ पे आपके पास जो है एक बॉटल होल्डर नजर आ जाएगा, यहाँ पे ट्विटर्स हैं, यहाँ पे आप ORVM एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। सिमिलरली ये थोड़ा सा एर्गोनॉमिक्स वाइज थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पे, क्योंकि हमें आगे होना पड़ता है जनरली, यहाँ दे दिया जाते हैं तो वो बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि हम हाथ ऐसे रखते ही उसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी अलग वो आपको फिनिश नजर आएगी सिल्वर कलर में। थोड़ा सा गौर से दिखाऊं, यहाँ पे देखो टेक्सचर भी आपको नजर आएगा जो कि ऑल द वे यहाँ तक रन करती है। यहाँ पे एक आपको जो है क्या कहते हैं इसे, इंटीरियर लाइटिंग भी नजर आएगी, एम्बिएंट लाइटिंग इसे कहते हैं, और ये मोड्स के हिसाब से चेंज भी होती रहेगी। जैसे यहाँ पे आप मोड्स हैं तो अभी जो है नॉर्मल चल रही है, अब मैं चेंज करूंगा यहाँ पे स्पोर्ट ड्राइव मोड और ये जो है रेड हो गई। इसके बाद जो है सिटी में ये जो है कुछ ब्लू हो जाएगी और इको में जो है ग्रीन हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। अब स्टेयरिंग व्हील जो है, एक बार मैं कंप्लीटली पीछे कर लेता हूँ सीट को, ठीक है। तो स्टेयरिंग व्हील जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, फोर स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, बीच में टाटा का ग्लोइंग लोगो है, दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लाजवाब। और यहाँ पे आपके पास जो है और थोड़े से बटन्स दिए गए हैं, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल है, यहाँ पे आपका कंप्लीटली MID का कंट्रोल नजर आएगा। स्टेयरिंग व्हील जो है पकड़ने में बहुत ही बढ़िया है, पूरी ग्रिप के साथ मजा आता है, बजाय आपके हाथ थोड़े से छोटे ना हो तो यहाँ से आप जो है पूरा इसे ग्रिप कर सकते हैं। और हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत जो हमने टाटा हैरियर या फिर सफारी में देखी थी कि यहाँ से जो है बटन दब रहे थे, तो इसका भी रोड टेस्ट जब होगा तब हम ज्यादा बेहतर इससे बता पाएंगे। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट देख लेते हैं किस तरीके की है, ठीक है, टिल्ट है बट टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया। यहाँ पे आपके पास जो है हेडलाइट स्टॉक है, ऑटो हेडलैम्प्स इसमें आपको नजर नहीं आते, ऑफकोर्स टॉप में आएंगे ऑटो हेडलैम्प्स, हाँ ऑटो हेडलैम्प्स नजर आते हैं, ठीक है, ये रहे यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास जो है, गाड़ी थोड़ा सा वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है हेडलाइट लेवलर नजर आएगा और इंडिकेटर स्टॉक भी इसी में। यहाँ पे आपके पास वाइपर स्टॉक नजर आएगा, ऑफकोर्स ऑटो वाइपर आपको नजर आते हैं। यहाँ पे आपके पास MID है एक बड़ी सी, आई थिंक 10.25 इंचेस की, आपको इसमें दिखा देता हूँ फीचर्स। ट्रिप ए मिलेगा, व्हीकल इन्फो मिलेगा, यहाँ पे आपके पास टायर इन्फॉर्मेशन सिस्टम आएगा, नीचे करेंगे इसका तो पावर एंड टॉक नजर आएगा, और नीचे करेंगे सर्विस रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे वापस आपके पास टायर इन्फॉर्मेशन नजर आएगा, आगे करेंगे नेविगेशन नजर आएगा, नेविगेशन जो है पूरा यहीं पे आ जाता है अगर एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आपका कनेक्टेड है तो। आगे करेंगे मीडिया आ जाएगा, आगे करेंगे तो नोटिफिकेशन आएंगी, सेटिंग्स आएंगी, सेटिंग्स में एक्सेस कर सकते हो, ओके, डायल व्यू में जो है आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ पे एक व्यू का बटन दिया गया है, इसे दबा के भी आप जो है इस डायल्स को चेंज कर सकते हो, यानी कि जो व्यू है वो आप अलग अलग ले सकते हो। फेवरेट्स का मेन्यू है, इल्यूमिनेशन है, अबाउट है, बैक है, और ज्यादा इसमें जो है कुछ भी नहीं है। यहाँ से व्यू फिर से दिखा देता हूँ आपको, डायल्स किस तरीके से चेंज होते हैं, ये एक व्यू है, ये दूसरा व्यू है, ये कंप्लीट डिजिटल वाला है, और ये जो है दो डायल्स वाला सिस्टम है। यहाँ पे आपकी स्पीड नजर आएगी, यहाँ पे RPM नजर आएगा, बीच में आपका जो भी सेटिंग्स वगैरह है वो चीज नजर आएगी, यहाँ पे हर पैसेंजर का सीट बेल्ट नजर आता रहेगा, उसके साथ जो है लाइट्स का ऑप्शन है, टाइम दिखेगा, यहाँ पे नेविगेशन आ रहा है, यहाँ पे इको कौन सा मोड है वो नजर आएगा, जैसे कि सिटी में डालूंगा तो वो चेंज हो जाएगा,
यहाँ पे सिटी आ गया। अच्छी बात है ये जो है साउंड नहीं करी जैसे हमने बाकी गाड़ियों में देखा था। यहाँ पे ऑडियो मीटर है, यहाँ पे फ्यूल मीटर दिखाएगा और यहाँ पे जो है फ्यूल गेज, यहाँ पे रिफ्यूल नजर आएगा। नीचे जो है वार्निंग लाइट्स हैं और टेम्परेचर गेज जो है वो आपको इधर नजर आएगा। थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही है गाड़ी 0.5 RPM पे, जनरली 0.7 पे होनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पे शायद रिफ्यूलिंग की दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। ये जो है आपने टाटा हैरियर में भी देखी होगी, फिर भी दिखा देता हूँ। होम पे जाएंगे कुछ इस तरीके का नजर आता है। यहाँ FM है, यहाँ पे AC है, यहाँ पे आप डिवाइस को भी पेयर कर सकते हैं। स्लाइड करेंगे तो आपके पास एड न्यू विजिट आएगा, इधर करेंगे तो क्लॉक आ जाएगी, वापस इधर करेंगे तो यहाँ से आप जो है मेन्यू में जा सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, EQI दिखता है, क्लाइमेट दिखता है। क्विक सेटिंग्स में दिखा देता हूँ एक बार क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑडियो का है, ड्राइवर असिस्टेंस का है, यहाँ पे आपके पास पार्क असिस्ट है, पार्क असिस्ट टोन वॉल्यूम है, पार्क असिस्ट डेली डिले टाइमर है, फ्रंट पार्क असिस्ट है। तो जनरली इसमें एडैप्ट तो आता नहीं, तो यही कुछ फीचर्स आपको नजर आएंगे। बैक चलते हैं हम, लाइट्स में देख लेते हैं क्या फंक्शन है। 30 सेकेंड्स के लिए ऑन करनी है वो जो आपके पास यहाँ पे की पे जो लाइट्स है। DRL का ऑप्शन है, DRL ऑन रहनी चाहिए या ऑफ रहनी चाहिए, ऐसे ये फीचर दिया नहीं जाना चाहिए क्योंकि DRL का मतलब ही डे टाइम जो है रनिंग लाइट होता है। बैक करेंगे और जो है यहाँ पे JBL मोड्स में दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें एक सब वूफर भी आता है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे सेटिंग्स आती हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस म्यूजिक सिस्टम को आप जो है सेट कर सकते हैं। मूड लाइटिंग वही है जो आपके पास यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग हो गई। और एक बार कंप्लीट सेटिंग्स में देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। ऑडियो है, कनेक्टिविटी है, ड्राइवर असिस्टेंस है, आई थिंक यहाँ पे सेम चीजें ही होंगी। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आ जाता है बट इसमें एडैप्ट नहीं आता, थोड़ी अजीब बात है। HMI डूडल आ जाता है, शायद इनका नेविगेशन सिस्टम है, इनका कनेक्टेड कार्ट है क्या। HMI डूडल, मूड लाइट है, फोन सेटिंग्स है, सॉफ्टवेयर अपडेट है। सिस्टम सेटिंग में हम देखें तो क्या है यहाँ पे, टाइम वगैरह दिखाएगा, ऑटोमेटिक क्लॉक रखनी है या नहीं रखनी, ये सब चीज है। व्हीकल सेटिंग्स में देख लेते हैं, लाइट्स, डोर एंड एक्सेस दिखा रहा है। ऑटो अनफोल्ड, ORVM होने चाहिए, अनलॉक पे या नहीं होने चाहिए, ये चीज अच्छी बात है। वैसे इग्निशन पे होने चाहिए जैसे मारुति करता है अपनी हर गाड़ी में। बस जो है और ज्यादा कुछ यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स कर दिया गया है, फिजिकल बटन जो है कोई भी नहीं दिया गया। ऊपर से नीचे जो है कुछ ये जो है शॉर्टकट्स और आ जाते हैं सराउंड व्यू से। हाँ, आपको जो है 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी जो है थोड़ी सी बेटर हुई है, थोड़ी सी अच्छी हुई है, बट और बेटर इस प्राइस पॉइंट पे की जा सकती है। 3D व्यू है यहाँ पे, फ्रंट के दो पार्किंग कैमरा दिखा रहा है लेफ्ट और राइट, और यहाँ पे रियर का लेफ्ट और राइट दिखा रहा है। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीजें आ जाएंगी, ज्यादा कुछ नहीं है सेटिंग्स में। अब नीचे दिखाऊं तो यहाँ पे जो है कलर जो है बरगंडी कलर दिया गया, जो कि थोड़ा सा ऑब्वियसली प्रीमियम लग रहा है। एक बार लाइट जला देते हैं तो कि थोड़ा सा ऑब्वियसली प्रीमियम लग रहा है। सीट्स पे भी आप देखेंगे तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली टच कंट्रोल्स आपको नजर आते हैं, जो कि ड्राइविंग असिस्टेंस में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सब कुछ ही आपके पास जो है यहाँ पे टच है, बजाय फैन स्पीड और टेम्परेचर एडजस्ट करने के। यहाँ पे आपके पास जो है फॉग लैंप है, यहाँ पे आपके पास हिल डिसेंट कंट्रोल है। आई थिंक ये जो बटन्स हैं मेजर वाले, ये जो है फिजिकल में कन्वर्ट करने चाहिए। ये जो है यहाँ पे हैजर्ड लैंप है, यहाँ पे बूट अनलॉक हो जाएगा, यहाँ पे कार लॉक हो जाएगी, यहाँ पे 360 डिग्री व्यू का शॉर्टकट दिया गया है। यहाँ पे आपके पास जो है AC वेंटिलेशन का है, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर। यहाँ पे आपके पास जो है डायरेक्शन एडजस्ट कर सकते हैं, AC ऑफ, AC ऑटो का ऑप्शन आपके पास नजर आएगा। यहाँ पे आपके पास जो है दो चीजें, तीन चीजें नजर आएंगी, 12V का सॉकेट, एक टाइप सी और एक टाइप ए चार्जर आपको नजर आएगा। 5-speed का गियर बॉक्स, बट रिवर्स जो है कुछ इस तरीके से लगेगा, यहाँ से ऐसे दबा के। इसकी वजह जो है मैं आगे वाला प्रेफर करूंगा और कुछ इस तरीके से जो है व्यू आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है ड्राइवर मोड्स नजर आएंगे, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है, हैंड ब्रेक है, और शायद आप इससे टॉप लेते हैं तो वहां पे आपके पास ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक आ जाती है। ये जो है ओपन हो जाता है और डीप भी अच्छा खासा है, तो कोई इश्यू इसके सामान रखने में होने नहीं वाली है। एक इश्यू जो है थोड़ा सा, जनरली आपको इसमें जो है ग्लोव बॉक्स नजर नहीं आ रहा होगा। अब ग्लोव बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आपको सॉरी ग्लोव बॉक्स कह रहा हूँ, बॉटल होल्डर जो है या कैन होल्डर नजर नहीं आ रहे होंगे, वो आपको सिर्फ यहाँ पे दिखेंगे और ग्लोव बॉक्स जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। जनरली टाटा के जो है ग्लोव बॉक्स बड़े ही रहते हैं। अब चलते हैं एक बार पीछे, सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ और पीछे का एक बार आपको जो है स्पेस दिखाता हूँ। अब सीट जो है मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, यानी कि 5 फुट 7 इंच या 8 इंच आप कह सकते हो, यहाँ पे कभी स्पेस आपको नजर आएगा।
लाइट्स जो है अच्छी बात है, ये आपको हर उसमें मिलेगी, हर मतलब डोर में। अब पीछे चलते हैं, यहाँ पे भी आपके पास जो है बॉटल होल्डर है। जनरली घुसाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। यहाँ पे आपके पास मैगजीन होल्डर है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे आपके पास जो है एक ट्विटर नजर आएगा। हाँ यहाँ पे भी लाइट है, ओके। यहाँ पे आपके पास जो है ट्विटर नजर आएगा, नीचे यहाँ पे भी JBL की बैजिंग आपको नजर आती है। पीछे वाला बंदा जो है जनरली आगे वाले पैसेंजर से थोड़ा सा हाइट पे बैठता है, और कम्फर्ट जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक नजर आ रहा है, बट एक्चुअल कम्फर्ट जो है वो चलाने पर पता लगेगा। सीट्स जो है अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन है, स्पेस मैनेजमेंट अच्छा है, बट मेरे से बड़ा आदमी कोई बैठेगा तो उसे थोड़ी सी दिक्कत होगी। पीछे दिक्कत एक ये नजर आ रही है कि यहाँ पे हमें जो है मैगजीन होल्डर्स या फिर फोन होल्डर्स जो है किसी भी टाइप के नहीं दिख रहे हैं, बट यहाँ पे जो है आपके पास टाइप ए और टाइप सी जो है वो दिया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा हो थोड़ा सा अंधेरा है, AC वेंट्स है, बट फोन रखने की जगह जो है वो पीछे नहीं दी गई। सीट जो है ठीक है, बट चार बंदे जो है वो ज्यादा कंफर्टेबली इसमें बैठ पाएंगे। थ्री पैसेंजर 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो सब पैसेंजर्स को नजर आती है, बट यहाँ पे आपके पास जो है हेडरेस्ट जो है वो सिर्फ 4 पर्सन के पास रहेगा। पीछे जो है कप होल्डर आपको मिलते हैं, क्योंकि पीछे ऑफ कोर्स ग्लोव बॉक्स आपको नजर नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 कप होल्डर है, आर्मरेस्ट है ठीक पोजीशन पे, होंडा में जनरली हमें थोड़ा सा नीचे दिखता है। और अब इसको ऊपर करते हैं, अब एक बार आपको बूट दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको हुक नजर आएगा, 6 एयरबैग्स है। यहाँ पे पैसेंजर लाइट दिखा रहा है, सॉरी मैं आगे जो है ऊपर दिखाना भूल गया। अब हम चलते हैं थोड़ी सी आगे, ताकि हम जो है ऊपर ये एरिया की बात कर ले। और ट्विटर्स जो है मुझे आई थिंक वहां भी नजर आ रहे हैं, वो अगर आप देख सकते हो तो। गाड़ी में जनरली स्पीकर सेटअप अच्छा होने वाला है, वो भी मैं आपको अभी सुना देता हूँ। हाँ तो जनरली हम यहाँ की बात करते हैं, इस वेरिएंट में आपको जो है ऑटोमेटिक IURVM नजर नहीं आएगा। लाइट जो है वो आपको यहाँ से नजर आएंगी, LED हैं, पीछे भी हैं, आगे भी हैं, और यहाँ पे जो है बहुत ही बेहतरीन चीज नजर आ रही है, एम्बिएंट लाइटिंग। यहाँ पे आपके पास माइक होगा, पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है वो आपको यहाँ दिखता रहेगा। यहाँ पे आपके पास किसी भी तरीके की लाइट नहीं है, इधर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास वैनिटी मिरर भी नहीं है। सनरूफ जो है पहना रहेगा, आपको खोल के दिखा देता हूँ कितनी खुलती है ये। और थोड़ी सी जो है शायद खुलेगी नहीं, इतनी जो है सनरूफ खुलती है। वैसे तो जनरली ये छोटी है, ग्रैंड विटारा में अभी तक सेगमेंट में हमसे सबसे बड़ी सनरूफ वहां पे देखी है। अब एक बार जो है आपको बूट दिखा देता हूँ, और साथ साथ हम जो है एक बार इंजन बेबी इसका देख लेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें एक नया इंजन हमें नजर आया है, जो कि पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन टाटा ने नया लॉन्च किया है। फाइव हंड्रेड लीटर का बूट स्पेस आपको नजर आएगा, जो कि अभी तक सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। ऑफकोर्स बूट लाइट आपको यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे कुछ हुक्स नजर आएंगे आपको, इधर भी है एक सीक्रेट स्पेस आपको जो है यहाँ नजर आएगा, सेम जो है इसी साइड पे आपको नजर आएगा। स्पेयर टायर दिखा देता हूँ, जो कि ऑब्वियसली नॉन एलॉय हमें नजर आ रहा है। हाँ नॉन अलॉय है, और इसका साइज देखें तो एक छोटा है, तो एक नहीं सॉरी दो छोटे हैं, यानी कि R16 आपको नजर आएगा, बाहर जो है R18 आपका लगा हुआ है। एक सब वूफर आपको जो है यहाँ पे आपको मिलेगा, और यहाँ सब वूफर नहीं है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस हमें यहाँ पे नजर आता है। थोड़ी सॉरी यहाँ पे जो है थोड़ा सा अंधेरा है। यहाँ पे आपके पास जो है 60-40 स्प्लिट नजर आता है, और यहाँ पे आपके पास ग्रैब हैंडल मिलेगा। ग्रैब हैंडल यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, अगर बूट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए तो, यानी कि टॉप वेरियंट में बूट आ जाए तो। बंद करते हैं ऐसे। तो एक बार जो है अब आपको इंजन बेस का दिखा देता हूँ। जनरली इसमें जो है 3 इंजन ऑप्शन इसमें नजर आते हैं, एक दो पेट्रोल में और एक जो है डीजल में नजर आएगा, एक ईवी भी आता है, उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करने वाले, जब ईवी चलाएंगे तब उसकी बात करेंगे। और ये जो है जनरली टाटा के बोनेट्स हैं, ये जो तो ये जो है हमारे पास टर्बो चार्ज पेट्रोल, वैसे तो दोनों ही जो है टर्बो इंजन है, बट ये जो है TGD है, पेट्रोल इंजन है, जिसमें पावर थोड़ी सी लगभग एक्स्ट्रा मिलती है, लगभग 125 PS और लगभग 226 Nm के आसपास या 230 Nm के आसपास टॉर्क नजर आता है। 3 सिलेंडर है। इसके बाद जो है एक इंजन और आता है पेट्रोल में, जो कि टर्बो है, ऑफकोर्स नेक्सॉन वाला इंजन है, उसमें पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, टॉर्क भी थोड़ा सा कम हो जाता है,
डीजल आता है एक ऑप्शन 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो इसमें आपको जो है 118 पीएस पावर मिलेगी और उसमें भी 230 एनएम के आसपास टॉर्क नजर आएगा। बस इसमें जो है थोड़ी सी पावर एक्स्ट्रा हो जाती है और साउंड डीजल की बजाय थोड़ी सी कम मिलेगी, ऊपर जो है इंसुलेशन भी आपको नजर आती है। ऑफकोर्स प्राइस के थोड़े से ज्यादा रहेंगे नॉर्मल टर्बो इंजन से, ये जो है टीजीडी इंजन है। तो अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और भी जानना है तो आप जो है मिस्टर पवन से विजिट कर सकते हैं। हमारे पवन तुम्हारे आप अगर नेक्स्ट कर्व के लिए कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो डीपीएस कार्स कश्मीर गेट विजिट कर सकते हैं और मेरा नंबर डिटेल्स में नीचे दिया जा रहा होगा, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और आप जो है नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर लेना, बट जनरली मस्ती के लिए कॉल मत करना क्योंकि यहाँ सर बिजी रहते हैं काफी। तो ये था हमारी टाटा कर्व की वीडियो में। और हाँ, ये जो है इंजन 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है जो कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर निकालेगा ऑफ कोर्स एनए से, और एक जो है डीजल इंजन में ऑफर होगा। इसमें ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी जो है वो भी अवेलेबल रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए कुछ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, एंटिल देन ड्राइव सेफ।